दोस्तों YouTube की YT Studio एप्लीकेशन में 3 यूज़फुल अपडेट्स आ चुकी हैं और इनमें एक अपडेट्स ऐसी है कि अब आपके सब्सक्राइबर ड्रॉप नहीं होंगे। अगर आपके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए तो इस अपडेट्स की मदद से आपके 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। ये अपडेट्स आपको कहाँ पे मिलेगी और आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना होगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं हम अपने फर्स्ट अपडेट्स की तरफ। फर्स्ट अपडेट ये है कि हम YT Studio एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जहाँ पे हमें मेन स्क्रीन पे बॉटम में हमें कुछ नेविगेशन बार देखने को मिलती थी, जिसमें डैशबोर्ड, कंटेंट, इसके अलावा एनालिटिक्स, कमेंट्स और प्लेलिस्ट की ऑप्शंस देखने को मिलती थी। YouTube ने प्लेलिस्ट की ऑप्शंस को बॉटम से यहाँ पे ख़त्म कर दिया है और प्लेलिस्ट आपको कंटेंट वाले ऑप्शंस में आपको टॉप पर मिलेगी, जहाँ पे आपको इस जहाँ पे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और इसके अलावा प्लेलिस्ट, लाइव स्ट्रीम, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की ऑप्शंस देखने को मिलेगी। और सेकंड अपडेट ये है कि YouTube की YT Studio एप्लीकेशन का जो मेन पेज है, जहाँ जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं, YouTube इसकी लुक को, इसकी डैशबोर्ड की जो इसमें चेंजिंग कर रहा है, इसकी लुक को चेंज करने लगा है। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब आपके सब्सक्राइबर ड्रॉप नहीं होंगे। दोस्तों अब तक क्या था कि हम किसी भी चैनल को ओपन करते थे और उसके मेन पेज के ऊपर जाके हम उस चैनल को सब्सक्राइब करते थे। सब्सक्राइब करने के बाद इसी को अगर हम अनसब्सक्राइब करना चाहते तो हम इसी पेज से अनसब्सक्राइब कर देते थे। यूट्यूब एक न्यू अपडेट्स लेके आने वाला है कि कोई भी विजिटर आपके चैनल पे आके आपको सब्सक्राइब करता था, अगर वो आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करना चाहता है तो वो उसी पेज से उसको अनसब्सक्राइब नहीं कर सकता। उसके लिए उसको आपके वीडियोज़ के अंदर जाना होगा, वीडियोज़ को वॉच करने के लिए, और वहाँ से उसको वो अनसब्सक्राइब कर सकता है। ये अपडेट्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।